हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे हैज एग्रीकल्चर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी उपयोगी परीक्षाओं जैसे यूपी के टेट, बीएचयू, आईसीआर, जेट एंड आदि एग्रीकल्चर उपयोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का यजमा की आवृत्ति 100% है तो जीन विनिमय की प्रतिशतता होगी। क्वेश्चन ध्यान सुने, यदि कायजमा की आवृत्ति 100% है तो जीन विनिमय की प्रतिशतता होगी। ए 150%, बी 100%, सी 50%, डी 25%। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 36 का करेक्ट आंसर होगा आपका 36 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 50%। क्वेश्चन नंबर 37, गन्ना प्रजनन में संकरण के पश्चात प्रारंभिक चयन जिस पीढ़ी में होगा वह है। गन्ना प्रजनन में संकरण के पश्चात प्रारंभिक चयन जिस पीढ़ी में होगा वह है ए F0, बी F1, सी F2, डी F6। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा, 37 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों 37। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 37 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, F2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणित बीजों में आपत्तिक जनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए। प्रमाणित बीजों में आपत्तिक जनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए। ए 1% से अधिक, बी 5% से अधिक, सी 10% से अधिक और डी 15% से अधिक। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन इज करेक्ट, 1% से अधिक। क्वेश्चन है, प्रमाणित बीजों में आपत्तिक जनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए, 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। 38 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, करनाल बंट बीमारी है ए चना की, बी मक्का की, सी गेहूं की, डी धान की। तो करनाल बंट बीमारी जो होता है प्यारे बच्चों, 39 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा गेहूं की, करनाल बंट, 39 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, करनाल बंट बीमारी होती है गेहूं में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, धोना व सुखाना कीट नियंत्रण की विधि को कहा जाता है। धोना व सुखाना कीट नियंत्रण की विधि को कहा जाता है। ए प्राकृतिक कीट नियंत्रण, बी भौतिक नियंत्रण, सी कर्षण क्रिया नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 40 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कर्षण क्रिया नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है। अधिक पीएच वाली भूमि में इन तत्वों की कमी होती है ए जस्ता व मैग्नीशियम, बी बोरान व लोहा, सी तांबा व मॉलिब्डेनम, डी कैल्शियम व मैंगनीज। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोरान व लोहा। अधिक पीएच वाला भूमि में इन तत्वों की कमी होती है, 41 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोरान व लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है। 42, चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है ए मैलिक अम्ल, बी आक्जेलिक अम्ल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नील में से किस फसल को नतजन की अधिक आवश्यकता होती है? नील में से किस फसल को नतजन की अधिक आवश्यकता होती है? ए गेहूं, बी मटर, सी गन्ना और डी धान। तो नील में से किस फसल को नतजन की अधिक आवश्यकता होती है? तो 43 का करेक्ट आंसर होगा, 43 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाती भिंडी की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। बरसाती भिंडी की प्रति हेक्टेयर बीज दर है ए 5 से 6 किलो, बी 10 से 12 किलो, सी 15 से 20 किलो, डी 2 से 3 किलो। तो बरसाती भिंडी की प्रति हेक्टेयर है 44 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 10 से 12 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, लेमन ब्रैकेट में सिट्रस लेमन ब्रैकेट वन में बीज रहित स्थिति का कारण है। लेमन में बीज रहित स्थिति का कारण है ए स्व अनिश्चितता, बी अनिषेक फलन, सी अनिषेक जनन, डी अंडबद्धता। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, अनिषेक फलन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है ए अन्न में, बी दूध में, सी फल व सब्जियों में, डी मांस में। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, फल व सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है फल और सब्जियों में। नेक्स्ट 47, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी है। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी है ए आलू, बी भिंडी, सी प्याज, डी मिर्च। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा, 47 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्याज। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी है सी ऑप्शन करेक्ट, प्याज। 47 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 48, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर, गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है ए 3 से 4 किलो, बी 5 से 6 किलो, सी 7 से 8 किलो, डी 9 से 10 किलो। गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है ए 3 से 4 किलो, बी 5 से 6 किलो, सी 7 से 8 किलो, डी 9 से 10 किलो। तो 48 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 5 से 6 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किस फल को श्याम बेर कहा जाता है? किस फल को श्याम बेर कहा जाता है ए अंगूर, बी फालसा, सी जामुन, डी शहतूत। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, जामुन को, जामुन फल को श्याम बेर कहा जाता है। 49 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, जामुन को। क्वेश्चन नंबर 50, फल झड़ने का कारण है। फल झड़ने का कारण ए वृक्षों की आय, बी मृदा उर्वरकता स्तर, सी खरपतवार, डी ए सभी। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी होगा। फल झड़ने का कारण है वृक्षों की आय भी है, मृदा उर्वरकता स्तर है, खरपतवार है और डी ऑप्शन इज करेक्ट, 50 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होती है। फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होती है ए 55%, बी 65%, सी 75% और डी 85%। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन
52 प्याज की रोपाई का मालवा क्षेत्र में सही समय है। प्याज की रोपाई का मालवा क्षेत्र में सही समय है ए 15 नवंबर से 10 दिसंबर, बी 15 दिसंबर से 15 जनवरी, सी 15 जनवरी से 15 फरवरी, डी 15 फरवरी से 15 मार्च। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 15 नवंबर से 10 दिसंबर। नेक्स्ट 53 उद्यान की फसलों के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल है। उद्यान की फसलों के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल है ए 3%, बी 5%, सी 7%, डी 10%। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, इज ए करेक्ट होगा 10%। उद्यान की फसलों के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम उत्पादन कल ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी टिश्यू कल्चर, डी सेरिकल्चर। तो 54 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 54 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। रेशम उत्पादन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर, और आपका टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर फिश का। तो 54 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है ए गेहूं, बी गन्ना, सी बरसीम, डी गाजर। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है आपका बरसीम। 55 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 55 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 टेट्रोजोलियम परीक्षा से निर्धारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। टेट्रोजोलियम परीक्षण से निर्धारण होता है ए बीज की शुद्धता, बी बीज का अंकुरण, सी बीज की जीवनी क्षमता, डी बीज की गुणवत्ता। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बीज की जीवनी क्षमता। टेट्रोजोलियम परीक्षण से निर्धारण होता है बीज की जीवनी क्षमता। नेक्स्ट 57 फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता ए मादा बक्स, बी इल्ली, सी मादा मार्ग, डी नर मार्ग। तो 57 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, नर मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 अर्क बसंत व अर्क मोहनी किसमें हैं। अर्क बसंत व अर्क मोहनी किसमें हैं ए मिर्च की, बी शिमला मिर्च की, सी काली मिर्च की, डी इनमें से किसी की नहीं। अर्क बसंत व अर्क मोहनी किसमें हैं 58 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, शिमला मिर्च का। अर्क बसंत व अर्क मोहनी किस्म है शिमला मिर्च का, 58 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 MACS 13 किस्म है। MACS 13 किस्म है ए मटर की, बी सोयाबीन की, सी वाकला की, डी राजमा की। MACS 13 किस्म है ए मटर की, बी सोयाबीन की, सी वाकला की, और डी राजमा की। तो 59 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सोया बीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 फ्लूक्लोरोलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है। फ्लूक्लोरोलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है ए उगने के पूर्व, बी उगने के पश्चात, सी बुआई के पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का
फ्लूक्लोरेलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है बुआई के पूर्व। 60 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बुआई के पूर्व फ्लूक्लोरेलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है बुआई के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत आयात पर पूर्णतः निर्भर है? क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत आयात पर पूर्णतः निर्भर है? ए नाइट्रोजन उर्वरक, बी फास्फोरस उर्वरक, सी पोटेशियम उर्वरक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पोटेशियम के उर्वरक पे भारत आयात पर पूर्णतः निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ वह है? इसे क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ हुआ है? ए 1905, बी 1948, सी 1965, डी 1980। तो 62 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 1905 में, 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में 1905 वर्ष में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन PEO कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जिसके द्वारा गठित किया गया वह है? ए रिजर्व बैंक, बी वित्त आयोग, सी कृषि मंत्रालय, डी योजना आयोग। तो 63 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, योजना आयोग। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जिसके द्वारा गठित किया गया वह है योजना आयोग। 63 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, गणेश किस्म है ए संतरा की, बी आंवला की, सी अनार की, डी केला की। तो गणेश किस्म है 64 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, अनार की। गणेश किस्म अनार की, 64 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है? ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है? ए ग्राम सुधार कार्यक्रम, बी ग्राम विकास कार्यक्रम, सी समुदाय विकास कार्यक्रम, डी ग्रामोत्थान कार्यक्रम। तो 65 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ग्रामीणों के 65 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 65 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है आप लोग को कंपटीशन एग्जामिनेशन में। किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ? ए भारत, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी चीन। तो 66 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, अमेरिका देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ? ए नीलोखेरी, बी गुड़गांव, सी पांडिचेरी, डी लुधियाना। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, भारत में पंचायती राज जिस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया था वह है?
भारत में पंचायती राज जिस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया वह है ए एस के डे समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी बसंत राय समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो 68 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। बलवंत राय मेहता समिति में भारत में पंचायती राज जिस समिति संतुलित प्रारंभ किया गया वह है बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 68। एक्सटेंशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, एक्सटेंशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई ए लैटिन से, बी ग्रीक से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सटेंशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। 69 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, लैटिन शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ वर्ष है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ हुआ वर्ष है ए 1948, बी 1952, सी 1965, डी 1978। तो 70 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 1952 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ए भारत का राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 71 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता हुआ है, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता हुआ है ए करके सीखो, बी देखकर विश्वास करो, सी ए तथा बी दोनों से, डी उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो 72 का 72 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ए तथा बी दोनों होगा, करके सीखो देखकर विश्वास करो। प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिस सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वो है करके सीखो देखकर विश्वास करो, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। 4H क्लब युवाओं का संगठन है, 4H क्लब युवाओं का संगठन ए चीन में, बी ब्रिटेन में, सी भारत में, डी अमेरिका में। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, अमेरिका में। 4H क्लब युवाओं का संगठन है अमेरिका में। 73 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ वर्ष है, राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ वर्ष है ए 1960 में, बी 1965 में, सी 1975 में, डी 1980 में। तो 74 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू हुआ वर्ष में, बी ऑप्शन इज करेक्ट 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं ए भूमि, बी श्रमिक, सी जल, डी पूंजी। तो 75 का क्वेश्चन 75 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, जल, सी ऑप्शन इज करेक्ट 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। वह ग्रंथ जो लाख को साबित करने में सहायक है वह है, वह ग्रंथ जो लाख को साबित करने में सहायक है वह है ए फिलिप ग्रंथ, बी फ्रेंजियल ग्रंथ, सी रेंजिंग ग्रंथ, डी आम्ल ग्रंथ। तो 76 का 76 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, वह ग्रंथ जो लाख को साबित करने में सहायक है वह ग्रंथ है रेजिन ग्रंथ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित है वह है,
पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित है वह है ए परिवर्तनीय मूल्य, बी विशिष्ट मूल्य, सी स्थिर मूल्य, डी सीमांत मूल्य। तो 77 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, स्थिर मूल्य। पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित हुआ है स्थिर मूल्य पे, 77 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व में होती है? पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व में होती है? ए सरकार, बी जमींदार, सी फैक्ट्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो 78 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, यदि प्रतिस्थापन अनुपात कीमत अनुपात से कम होगा तो लागत होगी। यदि प्रतिस्थापन अनुपात कीमत अनुपात से कम होगा तो लागत होगी, ए वही रहेगी, बी बढ़ेगी, सी कम होगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, वही रहेगी। नेक्स्ट 80, यदि MPP शून्य है तो, यदि MPP शून्य है तो ए MC अधिकतम होगा, बी AC ऊर्ध्व होगा, सी AC न्यूनतम होगा, डी AC क्षैतिज होगा। तो जब MP विल बी जीरो तो MC मार्जिनल कास्ट विल बी मैक्सिमम। 80 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्याम यादव चौधरी चरण डिग्री कॉलेज सफाई टावा से, प्यारे बच्चों मैं आज एग्रीकल्चर कंपटीशन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का मॉडल क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 80 क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के आप लोग अपने एग्जाम परीक्षा में, एग्जामिनेशन में, चाहे UP कैटेट हो, चाहे BHU हो, चाहे ICR हो, चाहे IFFCO हो, चाहे NABARD बैंक हो, चाहे SBI बैंक में एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्निकल असिस्टेंट में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आप लोग अपनी सफलता की तरफ हासिल करें। अभी तक जो आप लोग के जो हमारे आपके जूनियर और सीनियर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अगर हमारे यूट्यूब को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ शेयर माय चैनल डॉक्टर श्याम यादव, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।